खबर सीहोर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के नसरुल्लागंज पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा नगर परिषद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से भाजपा में वोट देने की अपील भी की। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि नसरुल्लागंज, बुधनी और रहटी को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और कमलनाथ को कोसते हुए कहा कि कमलनाथ ने कई सारी जनहित ऐसी योजनाएं बंद कर दी थी जिससे जनता का भला होता था। ये सभी योजनाएं अब धीरे धीरे फिर से शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही गरीब लोगों को जिनके पास रहने के लिए कोई भूमि नहीं है उनको जमीन का स्थायी पट्टा दिया जाएगा। वहीं भाजपा से बगावत करके सीहोर जिलों में चुनाव लड़ रहे बागियों को पार्टी से निष्कासित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय को निर्देश भी दिए। विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। लेकिन इस शहर को नसरुल्लागंज वालों, बहरुला वालों सुन लेना, एक डेढ़ साल में मुझे शानदार और सुंदर मिनी स्मार्ट सिटी बना के देना है। ये जेपी मार्केट हमारा, ये पथ गौरव पथ बनेगा, नसरुल्लागंज का गौरव पथ। उसको सीधे सीधे अब नेशनल हाईवे बना दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आप घुसेंगे गोपालपुर से, संडलपुर के वहां से, तो शानदार 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग। किसान भाइयों, जमीन की कीमत कितनी बढ़ेगी तुम्हें पता नहीं है, जिनकी जमीन इसके अगल बगल में आ रही। और सीधे ये राष्ट्रीय राजमार्ग नसरुल्लागंज भरुंडा होते हुए, रहटी होते हुए, सरकनपुर और बुधनी होते हुए, बकतरा, डोबी और साहेगंज होते हुए सीधे बाली से दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की।